मुझे लगता है कि आज जो वेतन भत्ते जो भी मिल रहे हैं, मुझे लगता है किसी के उससे डीजल के भी काम नहीं चल पा रहे हैं। मैं सभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और अपने अन्य सभी सम्मानित दलीय नेताओं से भी अपने आप को संबद्ध करता हूं और अध्यक्ष जी संक्षेप में इतना कहूं कि आपने वास्तव में इस अपने कार्यकाल में जो अपने कीर्तिमान आप स्थापित एक एक करके करते जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में जो लोग लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कीर्ति को देख करके कि आपके द्वारा किए गए इस विधानसभा में कार्यों को देख करके आप जहाँ भी रहेंगे आपकी सब लोग सराहना करेंगे और हम सभी मान्य सदस्य की सराहना करेंगे। जहाँ भी रहेंगे का क्या मतलब है? अच्छा, वही मैंने कहा पता नहीं। अध्यक्ष जी, हम सबकी माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से आप हम सबकी हमेशा हम सबके लिए शुभकामना देते रहते हैं, हम सबकी भी शुभकामना है कि आप इससे भी और आगे जाएं, ये हम सबकी ऐसी शुभकामना है। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि समय कम है और तमाम हो चुकी बातें, चूँकि हमारे सभी माननीय, रिपीट मत करिएगा। नहीं, कोई रिपीट नहीं करूँगा। देखिए, माननीय मंत्रीगण भी हैं और क्योंकि मैं अपने तरफ से यानी अपने सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से भी प्रश्न पहर में तमाम कुछ नोकझोंक हो जाती है, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। अध्यक्ष जी, रिपीट नहीं करना है क्योंकि आपका समय भी है। एक मेरा समय नहीं, आपकी फोटो का समय। एक चीज माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज चूंकि मैं जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी पिछले दिनों में जो एक बात जो भी छूट गई है, आप उससे वाकिफ भी हैं, उस बात को हमने ही उठाया था। नेता सदन उस समय हमारे हम लोग नेता सदन जी मौजूद थे और हमने कहा कि जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जब इसी तरह से सभी माननीय लोकसभा सदस्यों की जब बात आई तो स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाया, उस कमेटी में नेता सदन महोदय को ही चेयरमैन बनाया था। तो मैंने कहा कि देखिए, हम बड़ी हमारे मीडिया गैलरी में मीडिया के लोग बैठे रहते हैं, हम यहाँ पे सभी विधायक अपने विकास की बात करें या क्षेत्र की बात करें तो समझ में आ रही है, लेकिन हम अगर विधायक अपने भत्ते की बात करते हैं तो ये मैसेज बड़ा खराब जाता है। इसके लिए ये तय हुआ था कि नहीं, इसके लिए हम एक हमेशा के लिए एक जो कमेटी बन जाएगी और वह कमेटी अपना निर्णय दे देगी। मान लीजिए प्राइज इंडेक्स से जोड़ दें या जिससे भी जो एक व्यवस्था बना के जोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आज जो वेतन भत्ते जो भी मिल रहे हैं, मुझे लगता है किसी के उससे डीजल के भी काम नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि ये बात चूंकि कमेटी बन चुकी थी, एक बार आप चूंकि आपके पास अच्छी कला है ब्रीफ करने की, और आप ब्रीफ करके उस बात को फिर पुनर्जीवित करा सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं आपको वो कला है। केवल जैसे आप माननीय लाल जी वर्मा जी को भी चुप करा लेते हैं, तो आप मुझे लगता है कि नेता सदन महोदय को भी आप कन्विंस कर करके उस समिति को जिंदा कर लेंगे, और वो समिति सबके लिए है, तो एक आदमी के लिए नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस समिति को पुनर्जीवित करके, और आप ही उसके अध्यक्ष हैं क्योंकि आप भी अध्यक्ष थे उसके, तो मुझे लगता है कि वो निर्णय आ जाएगा तो सबके लिए बेहतर होगा। अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं प्रमुख सचिव विधानसभा जी को, इनके पूरे जितने हमारे इनके अन्य सहयोगीगण हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और एक मैंने एक के लिए बधाई भी देता हूँ कि अभी जो आप जो पुष्टाहार के लिए जो आपने कहा कि नहीं पुलिस के बराबर इनको कर दिया जाएगा, तो इसके लिए भी आपको बधाई। एक और सिफारिश आई थी, ये जो हमारे जो चतुर्थ क्लास वाले हैं उनका चूंकि 13,500 रुपया चूंकि वेतन है, अगर 1,000 रुपया बढ़ा करके इनका 14,500 रुपया कर दिया जाए तो ये बेचारे होली में खुशी खुशी चले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 जाएगा कि वित्त विभाग फरवरी से शुरू हुए सदन में 15 कर दीजिए।